नमस्कार दोस्तों, फोन पे पे जो है हर कोई अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन फोन पे से जो है पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है सही तरीका जो है हर कोई जो है नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जो है बोलते हैं कि हम फोन पे पे से जो है गलत अकाउंट में जो है पैसा डाल दिए हैं, लेकिन अगर आप गलत अकाउंट में जो है पैसा डाल दिए हैं तो उस अकाउंट से जो है पैसा वापस लाना जो है बहुत कठिन काम है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फोन पे से जो है पैसा भेजने का जो है एक्सपर्ट बन जाइएगा। जैसे कि आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आप कहीं दुकान पर जो जाते हैं शॉपिंग करने, मॉल में भी जाते हैं, तो वहां पर जो है अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई सामान खरीद लेते हैं, तो वहां से जो आपको क्यूआर कोड जो है आपको दिखाया जाता है, तो उस क्यूआर कोड पर जो है फोन पे से जो है कैसे पैसा भेजा जाता है ये भी आपको जानने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कई बार क्या होता है कि फैमिली या फ्रेंड्स में हमको बोलते हैं कि इस मोबाइल नंबर पर जो है आपको पैसा भेजना है, तो आपको अर्जेंट जो है पैसा भेजना है उनको, तो मोबाइल नंबर पर जो है कैसे पैसा भेजा जाता है आपको जरूरी ये जो है जानना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे। तीसरे नंबर पर हमें ये जानना होगा कि अकाउंट नंबर पर जो है पैसा कैसे डाला जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें जो अकाउंट नंबर पर पैसा चाहिए, हमें मोबाइल नंबर पर जो है पैसा नहीं चाहिए। तो अगर आप फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्माटेक। चैनल पर आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फोन पे एप्लीकेशन को देखिए हम यहाँ से जो है ओपन कर लिए हुए हैं। ओपन कर देने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसफर मनी का ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा। आपको यही सब ऑप्शन से जो है आपको जरूरत है। तो सबसे पहले जो है हमें फोन पे पे जो है कोई बोलता है कि जो हमें अकाउंट नंबर पर जो हमें पैसा देना है, आपको अकाउंट नंबर पर जो है पैसा डाल दिए। तो अकाउंट नंबर पर जो है पैसा डालने के लिए आपको यहाँ पर लिखा होगा सेकंड नंबर पर ट्रांसफर मनी के नीचे जो है टू बैंक यूपीआई आईडी, तो आपको इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। जब इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है तीन ऑप्शन जो है दिखाया जा रहा है। पहला देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, दूसरा जो है यूपीआईडी लिखा हुआ है, तीसरा जो है यूपीआई नंबर है। तो हमें जो अपने बैंक अकाउंट पर जो है पैसा डालना है, तो आपको देखिए सबसे पहले जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हैं तो उनका जो है बैंक अकाउंट आप ले लीजिएगा। बैंक अकाउंट लेने के बाद आपको ऐड रिसीव्ड बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ से जो है चूज कीजिएगा कि उनका जो है कौन सा बैंक में जो है अकाउंट है। तो चलिए उनका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट है, तो आप लोग यहाँ से जो है चूज कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ से बैंक अकाउंट जो है चूज कर लिया। चूज कर अकाउंट नंबर जो है आपको इंटर करना होगा ऊपर वाले में। इसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड जो है बताया जा रहा है। आईएफएससी कोड आपको कहाँ मिलेगा, उनके पासबुक में। तो वहीं अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो अगर आप उस अकाउंट में जो है पैसा डालिएगा तो आईएफएससी कोड का जो है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि जिनके नाम से अकाउंट है उनका यहाँ पर जो है नेम आ चुका है। एक्चुअल में जो है सही उनका जो नेम है, जो बैंक अकाउंट में नेम होगा वही नेम जो है यहाँ पर आया होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर टिक बताया जा रहा है, नाम जो सही है, अकाउंट नंबर भी जो है सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर निक नेम जो है बताया जा रहा था, आप निक नेम यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं। निक नेम इसलिए क्योंकि आपको जो है फोन पे में बताया जाएगा कि आपने इस अकाउंट नंबर को जो है इस निक नेम के जरिए जो है सेव किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से जो है टेस्ट लिख देते हैं, आप इस निक नेम को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। तो देखिए एक अकाउंट मेरा पहले से जो है सेव भी हो चुका है। अब सेव होने के बाद आपके सामने इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हमें अकाउंट नंबर पर जो है पैसा डालना है, पैसा भेजना है फोन पे के जरिए। तो इसके बाद देखिए एक रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से अमाउंट भी इंटर कर सकते हैं। फोन पे जो है एक दिन में आप जो है 1,00,000 रुपया जो है भेज सकते हैं। तो इसके बाद हम 1 रुपया इंटर किए, तो 1 रुपया इंटर कर देने के बाद देखिए उनका नेम जो है आ चुका है। अगर आप फोन पे में जो है मल्टीपल अकाउंट जो है लिंक किए होंगे तो यहाँ से चूज करने का ऑप्शन जो है दे रहा होगा। इसके बाद अगर आप 1 रुपया सेंड किए हैं तो कुछ अगर नोट लिखना चाहते हैं कि ये पैसा जो है आप उनको क्यों दे रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है नोट भी जो है लिख सकते हैं। तो नोट में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आप अपना नाम भी जो है यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग जो है पे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। जब पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो अब आपको जो है यहाँ पर जो है अपना यूपीआई पिन जो है इंटर करना होगा। आपका अगर स्टेटमेंट के बैंक अकाउंट में जो है आसानी से जो है चला जा चुका होगा। अगर आपको जो है मोबाइल नंबर पर जो है पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन आज का जो है मोबाइल नंबर पर जो है पैसा डालने का ट्रेंड जो है काफी चल रहा है, तो आपको जो है जरूरी है सीखना चाहिए कि कैसे जो है मोबाइल नंबर पर जो है पैसा डाला जाता है फोन पे ऐप से। इसे देखने के बाद आप जो है आसानी से एक्सपर्ट बन जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोन पे एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ट्रांसफर में जो है यहाँ पर आना होगा, यही ऑप्शन से जो आप लोग को यूज करना है।
जो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए टू मोबाइल नंबर जो है लिखा हुआ है, तो आपको इसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि आप पैसा जो है सेंड कर रहे हैं, सेंड मनी का ऑप्शन जो है आपको ऊपर में दिख रहा है। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि आप जिनके पास अगर आप पैसा भेज रहे हैं, अगर वो फोन पे ऐप चलाते हैं या भीम एप्लीकेशन, इसके बाद या गूगल पे चलाते हैं या पेटीएम ऐप, तो आप उनका सिर्फ जो है मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पर आप उनके पास जो है पैसा आसानी से भेज सकते हैं। तो यहाँ भी नंबर अगर आप सेव किए होंगे अपने फ़ोन में, तो यहाँ से जो है उनका लिस्ट जो है नेम शो दिखा रहा होगा। यहाँ पर अगर फोन पे बना हुआ होगा उनके नेम, अगर अकाउंट बनाए होंगे फोन पे में उसी नंबर से बना होगा, तो फोन पे का जो है आइकन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप फोन पे में जो है नया नंबर जो है इंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है जिस नंबर पे आप अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनसे नंबर जो है आप सबसे पहले जो है ले लीजिएगा। तो लेने के बाद उस नंबर को आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है इंटर करना होगा। तो चलिए हम उस नंबर को जो सबसे पहले शुरू में जो है इंटर करते हैं यहाँ पर। तो मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि ये नंबर जो है इस नेम से जो है फोन पे में जो है आईडी बना हुआ है, चाहे गूगल पे चलाते होंगे या पेटीएम चलाते होंगे या भीम एप्लीकेशन। इसके बाद उनका जो है यहाँ पर नेम आ चुका है। अब नेम आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो अगर आप पहले से जो है उनके अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र किए होंगे तो यहाँ से जो है लिस्ट आपको जो है दिखा रहा होगा। लेकिन अगर आप एक रुपये पैसा जो है सेंड करके चेक करना चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर जो है सही है या नहीं, आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसके जितना पैसा जो है सेंड करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट है आपका, तो यहाँ पर आप अमाउंट को जो है लिख सकते हैं। और आपको चैट करना है तो वो भी आप जो है चैट यहीं से जो है कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको कोई जैसे कि स्क्रीनशॉट लगाना है कि पैसा हमने भेज दिया है, वो भी आप चेक कर लीजिए। कोई भी स्क्रीनशॉट है आप यहाँ से जो है अटैच करके जो है लगा सकते हैं। एक साथ 10 इमेज को जो है आप फोन पे में जो है आप शेयर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम एक रुपया पर जो है क्लिक किए, यहाँ पर एक रुपया जो हम लिख देने वाले हैं। एक रुपया लिखने के बाद अब आप कोई भी अगर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं या कोई नोट लिखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको पे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। पे वाला ऑप्शन पर जब क्लिक कीजिएगा, तो इसके बाद अब आप लोग जो है 4 अंक या 6 अंक का जो है आपको UPI पिन जो है इंटर करना होगा। आसानी से जो है ट्रांसफ़र भी कर लिए हुए हैं, जैसा कि जो है मोबाइल नंबर के जरिए जो है पैसा जो है डाल सकते हैं। हम इसलिए देखिए पिन डाल कर आपको नहीं बता रहे हैं कि देखिए कोई बार क्या होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है पिन डालकर जो है हम नहीं दिखाना चाहते हैं। जब आप किसी भी दुकान पर जो जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद कोई सामान ले लेते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर QR कोड जो है दिखाया जाता है, तो आपको उसको स्कैन करके जो है फोन पे के जरिए जो है कैसे पैसा भेजना है ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसका आपको सबसे पहले देखें, हमारा फोन पे एप्लीकेशन जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब आप लोग को जो है QR कोड को जो है स्कैन करके जो है पैसा भेजना है। तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखिए एक नीचे में जो है स्कैन QR का ऑप्शन जो है दिख रहा है, ऊपर में भी जो है आपका ऑप्शन जो है दिख रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी एक जगह पर जो है क्लिक करके आप आसानी से QR कोड को जो है स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक किए। इसके बाद कैमरा जो है ओपन हो चुका है, जो भी मैंने अपना कैमरा का परमिशन जो है दे दिया है। अगर आपका गैलरी में जो है एक QR कोड है, जैसे कि कोई फ्रेंड ने जो है सेंड किया हुआ है कि आपको इस QR कोड पर जो है पैसा डालना है, तो आपको जो है गैलरी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो गैलरी जो है ओपन हो चुका है, उस QR कोड को जो है आप लोग को यहाँ से चूज कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। जब सेलेक्ट कर देने के बाद ऊपर में आपको बताया जा रहा है कि ये जो QR कोड है, इस QR कोड पर जो है ये नेम है, इस QR कोड का जो है UPID जो है ये है, यहाँ पर UPID जो है बताया जा रहा है। इसके बाद आप जो है यहीं से जो है आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने कभी भी इस QR कोड पर पहले अगर पैसा ट्रांसफ़र किए होंगे, तो आप जो है हिस्ट्री जो है यहाँ से जो है देख सकते हैं। इसके बाद अब आप लोग को यहाँ पर जो है पैसा इंटर करना होगा कि आप इस QR कोड पर जो है इस दुकान पर जो है कितना रुपये जो है सामान लिए हुए हैं, कितना रुपये जो है आप देना चाहते हैं। तो 1 रुपया देना चाहते हैं या 20 रुपया, 100 रुपया, तो आप लोग को यहाँ से जो है इंटर कर देना है। तो चलिए हम 1 रुपया देना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या नोट्स लिखना चाहते हैं कि ये पैसा जो हम उनको क्यों दिए, ताकि जब भी आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालिएगा तो उसी स्टेटमेंट जो आप यहाँ पर नेम लिखेगा वही नेम जो है आपको वहाँ पर स्टेटमेंट में चेक कीजिएगा तो दिखाएगा। पे वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। जब पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर अपना जो है 6 अंक का UPI पिन जो हमें डालना होगा। अगर आपका जब भी आप फोन पे से जो है किसी को अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आप अपने अकाउंट को जो है बैलेंस चेक कीजिए। चेक दूसरे नंबर पे आपको ये करना होगा कि चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में जो है नेटवर्क जो है फुल होना चाहिए। अगर नेटवर्क फुल रहेगा,
फोन पे ऐप को जो है आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, कोई भी पेमेंट जो है आपका फेल्ड नहीं होगा। कुछ भी जानकारी जो है नहीं समझ में आया होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके सवाल जो है पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप फ्रेंड या रिलेटिव के पास जरूर से शेयर कीजिए।